क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज चल रही है और सीरीज हैरानी भरे अंदाज में एक एक से बराबर है, क्योंकि दूसरा वनडे मैच भारतीय टीम शर्मनाक अंदाज में हार गई थी। राहुल द्रविड़ के सारे प्लान फेल हो गए थे, लेकिन अब उन्हीं राहुल द्रविड़ ने कहा है कि उस हार ने हमें कई सारे जवाब दे दिए हैं, खास तौर पर वर्ल्ड कप की टीम के लिए बड़ा और सीधा जवाब मिल गया है, यानी कि किसे टीम में शामिल करना है किसे नहीं करना है ये जवाब मिल गया और ये साफ बात कह दी है कोच राहुल द्रविड़ ने। और इसका मतलब यह है कि एक या फिर दो नहीं बल्कि पूरे पांच खिलाड़ी वर्ल्ड कप की रेस से स्क्वाड से बाहर हो गए, और यही नहीं दो से तीन खिलाड़ी तो लगभग कंफर्म थे वर्ल्ड कप के लिए वो भी बाहर हो गए, और छठा खिलाड़ी भी यहां पर लिस्ट में आ रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, तो दिखाते हैं बताते हैं आपको, इस वीडियो को शेयर करें, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें इस पूरी लिस्ट पर, इस पूरे नामों पर। तो वर्ल्ड कप को कुछ ही महीने बचे हैं, हालांकि उससे पहले एशिया कप भी होगा, मगर टीम इंडिया का पूरा फोकस वर्ल्ड कप पर ही, और इसी को लेकर वेस्टइंडीज सीरीज में प्रयोग भी किए गए। अब बड़ी खबर यह है कि कुछ खिलाड़ियों का पत्ता वर्ल्ड कप की टीम से स्क्वाड से ही साफ हो गया। हालात यह हैं कि कंफर्म सीट रखने वाले जिनकी जगह बिल्कुल पक्की हो चुकी थी वो भी टीम से बाहर होने वाले, और ऐसे पांच बड़े नाम है, हालांकि छठा नाम भी यहां पर बड़ा दिग्गज है, हैरानी भरा वो नाम हो सकता है जो कि रडार पर आ गया। पहले नंबर पर ओपनिंग जोड़ी, जी हाँ, वर्ल्ड कप को लेकर भारत की ओपनिंग जोड़ी अब तक तय मानी जा रही थी, मगर अब ये बदलने वाली है, या कहें कि बदलना तय हो गया है, कंफर्म हो गया है। रोहित शर्मा कप्तान है, लिहाजा वो तो खेलेंगे, लेकिन उनके जोड़ीदार शुभमन गिल वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, लेकिन टीम मैनेजमेंट इस दिशा में अब सोचने लगा है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर विकल्प मिल गया और वो विकल्प है ईशान किशन। ईशान किशन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो वनडे मैचों में मुश्किल पिच पर दोनों बार अर्धशतक लगाया, जबकि गिल दोनों ही बार फेल रहे, और यही नहीं गिल टेस्ट मैचों में भी लगातार फेल ही हुए हैं। और ऐसे में गिल का पत्ता साफ होने वाला है, बाएं हाथ के ओपनर ईशान किशन की एंट्री होगी जो कि यहां पर एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, हालांकि तीसरे वनडे मैच में देखना बाकी होगा और उसके बाद गिल की छुट्टी हो जाएगी। वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सूर्या को हद से ज्यादा मौके दिए जा चुके हैं, मगर वनडे मैचों में सूर्या फुस हैं, फेल हैं, और ऐसा लगता है कि सूर्या को सिर्फ बल्ला घुमाना आता है, टिक्कर खेलना आता ही नहीं, इसीलिए तो वही सूर्या T20 के बादशाह हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट मैचों में फेल हैं। तो पहले भी सूर्या फेल थे, और अब तो यहाँ वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दो वनडे मैचों में बड़े मौके मिलने के बाद भी फेल हो चुके हैं, और अब तक के करियर को देखें तो 25 वनडे मैचों की 23 पारियां वो खेल चुके हैं, और औसत है सिर्फ 23 का रन बनाए, सिर्फ 476, यानी कि पूरी तरह से पूरे वनडे करियर में फेल हैं। लिहाजा सूर्या को अब आगे मौका नहीं मिलेगा, तीसरे वनडे में भी मौका मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। हालांकि वहां किसी वजह से मौका मिल भी जाता है तो वहां भी सूर्या का फेल होना था, और फिर आगे कभी भी सूर्या को वनडे टीम में जगह नहीं मिलेगी, और 33 साल के सूर्या का वनडे करियर यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। टीम से बाहर होने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे उमरान मलिक। जी हां, उमरान को भी दो वनडे मैचों में मौका गया, मगर उमरान अपनी छाप छोड़ना तो दूर, सामान्य गेंदबाजी तक नहीं कर पाए, जबकि बाकी बॉलर 4 या फिर 5 की औसत से रन बना रहे थे, तो वहीं पर उमरान ने 9 की औसत से रन लुटाए और ऊपर से कोई विकेट भी नहीं लिया, और कोई इम्पैक्ट उमरान का दिखाई नहीं। अब वैसे भी बुमराह, शमी और सिराज की वापसी होने वाली है, तो उमरान के लिए रास्ते वैसे ही बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब पूरी तरह से उमरान ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है, उमरान का पत्ता साफ हो गया, और तीसरे वनडे मैच में भी उमरान को टीम में जगह नहीं मिलने वाली है। वर्ल्ड कप का ख्वाब तो उमरान को अब भूल जाना चाहिए। वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने वाले चौथे खिलाड़ी होंगे युजवेंद्र चहल। जी हाँ, ये नाम हैरानी भरा है, चहल तो बिना खेले ही टीम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कुलदीप यादव अच्छा कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिर्फ एक ही कलाई का स्पिनर रखा जाएगा और वो कुलदीप यादव होंगे, ये कुलदीप ने अपनी बॉलिंग से कन्फर्म करा लिया, और वैसे भी जब दूसरे वनडे मैच में सबको मौका दिया गया तो वहां पर भी चहल को मौका नहीं दिया गया, चहल टीम में नहीं थे, यानी कि युजवेंद्र चहल अब टीम इंडिया की प्लानिंग में ही नहीं है, ये कन्फर्म हो गया है। लिहाजा अब आगे चहल नहीं सिर्फ कुलदीप खेले, और चहल बिना खेले बिना आजमाए ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड तक में जगह नहीं मिलेगी। पांचवें खिलाड़ी की बात करें तो वो हैं अक्षर पटेल। जी हाँ, अक्षर पटेल को भी दूसरे वनडे में मौका दिया गया, चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आजमाया गया, बॉलिंग में भी आजमाया गया, मगर वो कुछ खास कर नहीं पाए, और अक्षर के ही जैसे रविंद्र जडेजा का टीम में चुना जाना तय है। हालांकि बैकअप के तौर पर जरूर अक्षर पटेल को यहां जगह मिल सकती है, लेकिन खेलने का मौका अक्षर को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर जडेजा पहले से मौजूद हैं जो कि बैट और बॉल के साथ साथ फील्डिंग में भी कमाल दिखाते हैं, लिहाजा अक्षर पटेल सिर्फ बैकअप बनकर ही रह जाएंगे।
अब इन पांच नामों के अलावा छठा नाम भी है, वो बहुत बड़ा नाम है, वो भी रडार पर आ गया और वो है उपकप्तान हार्दिक पांड्या। जी हां, नाम जरूर चौंकाने वाला है, लेकिन हार्दिक पांड्या का खेल भी बेहद ज्यादा खराब रहा है और ऊपर से हार्दिक ने अपनी फिटनेस पर खुद ही सवालिया निशान लगा दिया है। हार्दिक पांड्या लंबे समय से ना तो बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, ना ही गेंदबाजी में कोई दमखम दिखा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में रन नहीं बनाए, उसके पहले के मैचों में रन नहीं बनाए, आईपीएल के बाद यहां भी उनका बल्ला खामोशी है, जबकि गेंदबाजी तो वो पूरी स्ट्रेंथ से ताकत से कर ही नहीं पा रहे। लिहाजा हार्दिक का भी पत्ता टीम इंडिया से साफ हो सकता है। हालांकि हार्दिक स्क्वाड में जरूर रह सकते हैं, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर, किसी और को खिलाने की जरूरत होने पर हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर भी किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी कप्तानी पर भी असर पड़ेगा, जो कि उन्हें फ्यूचर का कप्तान अब तक कहा जा रहा था, उस पर ग्रहण लग सकता है। हार्दिक पांड्या से कप्तानी भी छीनी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये बड़े नाम हमने आपको बताया जो कि वर्ल्ड कप के रेस से बाहर हो गए हैं, दौड़ से बाहर हो गए, टीम से बाहर हो गए। अब आपका इस लिस्ट पर क्या कहना है, इन नामों पर क्या कहना है, आपकी नजर में कौन है सही कौन है गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की बेहद शर्मनाक हार हुई है। 5 विकेट से भारत को विंडीज टीम ने रौंद दिया, सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया, और ये वही वेस्टइंडीज की टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ये वही वेस्टइंडीज की टीम है जो नीदरलैंड से हार जाती है, जिम्बाब्वे से हार जाती है, लेकिन सितारों से सजी भारतीय टीम को हरा देती है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली को वाटर बॉय बना दिया गया, मैदान में आकर विराट जैसा दिग्गज पानी पिला रहा है। रोहित शर्मा का आता पता नहीं है टीम इंडिया को, अब भी लगता है कि प्रयोग करने बचे हुए हैं, कुछ और प्रयोग कर लेते हैं, और यही सब कुछ किया हेड कोच राहुल द्रविड़ ने दूसरे वनडे मैच में। इसके बाद राहुल द्रविड़ को गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। जी हां, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 तरह के धोखे यहां पर मिले। मैच में हार तो मिली, टीम इंडिया को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके बाद राहुल द्रविड़ पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। खबर तो यहां तक है कि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ही टीम मैनेजमेंट के फैसलों से सख्त नाराज हैं। भारतीय फैंस को पहला धोखा तब मिला जब हार्दिक पांड्या कप्तान के रूप में मैदान में उतरे। अब ठीक है, हार्दिक भविष्य के कप्तान है, लेकिन जब रोहित फिट हैं, अच्छा खेल रहे हैं और टीम में मौजूद भी हैं, तो फिर रोहित शर्मा को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? क्या टीम इंडिया मैच जीतना ही नहीं चाहती है? क्या राहुल द्रविड़ को सिर्फ भविष्य के लिए खोज करनी है? क्योंकि यहां तो डायमंड की खोज हो रही है, और डायमंड की खोज में जो आपके पास गोल्ड है, आपके उसको बर्बाद कर दिया है। हालत ये थी कि रोहित शर्मा कहीं दिखे नहीं, न मैच से पहले, न मैच के दौरान, और न ही मैच के बाद। रोहित शर्मा ने साफ साफ नाराजगी जता दी। दूसरा धोखा टीम देखकर हुआ जब विराट कोहली टीम से बाहर थे। पहले वनडे मैच में आपने विराट कोहली को 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए रखा, विराट की बैटिंग आई ही नहीं, पूरे मैच में विराट पैड पहनकर बैठे रहे, लेकिन राहुल द्रविड़ उन्हें रोकते रहे कि अब जडेजा जाएगा, अब शार्दुल ठाकुर जाएंगे। दूसरे मैच में विराट कोहली को टीम से बाहर ही कर दिया, जबकि विराट मैच खेलना चाहते थे, ये उनके जेस्चर से साफ साफ दिखा, क्योंकि विराट को आप मैच से बाहर कर सकते हो, गेम से नहीं। और युजवेंद्र चहल के साथ विराट कोहली पानी पिलाने मैदान में आ गए। जी हाँ, विराट को वाटर बॉय बना दिया गया। विराट ने साफ दिखाया कि वो गेम खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं खिलाया गया। अब विराट और रोहित को आप T20 टीम में रखते नहीं है, वो अन्य टीम में रखते हो, लेकिन मैच खिलाते नहीं है। वो तो टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ का बस चलता नहीं तो वहां भी विराट और रोहित को बाहर कर दें। तो फिर ऐसे में विराट और रोहित को टीम के साथ रखा क्यों गया है? क्यों उन्हें ट्रेवल कराया जा रहा है? राहुल द्रविड़ इतने बड़े और सीनियर खिलाड़ियों को बार बार आराम के नाम पर बेइज्जत क्यों कर रहे हैं, और उन दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं जो कि बार बार मौका देने के बाद भी फेल हो रहे हैं? अगर विराट और रोहित दोनों को नहीं खिलाना है तो उन्हें सम्मान के साथ बता देना चाहिए, रोहित और विराट दोनों दिग्गज एक साथ एक दिन संन्यास ले लेंगे। लेकिन उनके साथ जो हो रहा है, ये बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।